जीवेम शरदः शतम। श्लोक के अनुसार मनुष्य 100 वर्षों के जीवन की कामना करता है। तुलसीदास जी की नगरी काशी की गलियों में घूमते घूमते आखिरकार मैं पहुंच ही गया शिवानंद बाबा के आश्रम में और तीसरे अटेम्प्ट में बाबा से भी मुलाकात हो गई। उनकी उम्र जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इनकी उम्र है 123 साल 123 ईयर्स। आपको शिवानंद बाबा से मिलवाने से पहले मैं उन्हीं के पैम्पलेट में लिखे उनके इस लंबे और स्वस्थ जीवन के सीक्रेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बाबा हैज़ नो डिजीज़, no desire, no depression, no tension, no hypertension, no problem. Baba does not take fruit and milk, does not accept money and donation. और एक्साइटमेंट में मैं आपको अपना इंटरव्यू तो देना भूल ही गया। Hey everyone, Shivang here and welcome back to the High Street Explorer and without any further ado, let's get started. जी नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक्स। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी हेल्दी और हैप्पी लाइफ का सीक्रेट क्या है? फर्स्ट डिजायरलेस लाइफ। डिजायरलेस। यू शुड फॉरगेट योर डिजायर्स, देन यू गेट पीसफुल लाइफ। पीसफुल लाइफ इज रूट कॉज ऑफ लेंथी लाइफ। वेल कंट्रोल लाइफ, well controlled time, well disciplined, well regulated life. Swami ji, आपकी daily routine क्या है? Routine, I get up from my bed 3 o'clock, then I take bath, it will take half an hour, then I bhajan for 2 hours, then 1 hour physical exercise, then I walk in the room about 2 hours, then I prepare my food, then I take my lunch, say about 1 p.m. Then I take rest, then again about bhajan. In this way, at 9 o'clock, I should get to, I go to bed. आज तो पूर्णिमा इसीलिए स्वामी जी का व्रत है। व्रत है। व्रत करने से पाप दूर हो जाएगा। पाप दूर हो जाता है। ऐसी आइडिया। और शरीर के विकार। शरीर जो है हल्का हो जाएगा, लेकिन अपना। तो स्वामी जी, ऐसे आप डेली क्या खाते हैं? What do you eat on a daily basis? दाल और boiled दाल, boiled सब्जी, boiled vegetable and no oil and रोटी rice something. Very simple diet. कभी आपको किसी और दिन कुछ और खाने का मन नहीं करता? ये अपनी स्ट्रिक्ट, आपको अपनी ये स्ट्रिक्ट डाइट छोड़ के किसी दिन कुछ और खाने का मन नहीं करता? नहीं, नो डिजायर। सो यू हैव नो डिजायर फॉर माने स्वीट मीट और पेरेटेबल फूड। माय होल लाइफ आई हैव टेकन 2 रसगुल्ला एंड हर डॉटर फोर्स्ड टू टेक। जैसे कि देख सकते हैं कि स्वामी जी बता रहे कि इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही मिठाई खाई है। रसगुल्ला दैट फर्स्ट लास्ट, वो भी इनको फोर्स किया गया था इसलिए। बाबा खुद तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, पर मेरे लिए उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनवा के रखा था। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आपकी व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? दिस इज माय मेन अचीवमेंट इज एवरी ह्यूमन बीइंग लिविंग गॉड। एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग इज अ गॉड। लिविंग गॉड, ऑल आर गॉड्स एंड गॉडेसेस। This is my conception from the beginning of my life. Are you satisfied with my answer? Are you no, satisfied? No. Like, can you please elaborate a bit? Elaborate, I cannot do because old age problem. Yes. I cannot speak much. बढ़ती उम्र की वजह से आपको क्या-क्या difficulties face करनी पड़ती? Which difficulties? No, I don't face any kind of difficulty. Except for the speaking. No. After about 42 old days, I can take my food without any problem. No problem. Physically fit, mentally allowed. Appetite is good. I can sleep very well. No problem. No sleeping problem. No eating problem. Everything nice. आपको अपने बचपन में कब ये एहसास हुआ कि आपको समाज सेवा या फिर अध्यात्म के? No, I did not think of my social life. अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें तो जापान के जिरोमन कुमुरा, जिनका देहांत 2013 में हो गया था, रिकॉर्ड होल्डर हैं फॉर द ओल्डेस्ट ह्यूमन एट एन एज ऑफ 116 ईयर्स। पता नहीं क्यों गिनेस बुक का ध्यान अभी तक शिवानंद बाबा पर नहीं गया, क्योंकि पासपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने यह बात कंफर्म कर दी है कि बाबा का जन्म 1896 में हुआ था। स्वामी जी, आपकी कोई हॉबीज वगैरह हैं? किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या फिर कोई म्यूजिक सुनना? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, रीड बुक्स, मैंने रामायण, महाभारत, गीता। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गीता, चंडी, रामायण, महाभारत, भागवत। म्यूजिक सुनने का शौक है आपको? म्यूजिक नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। ओके, नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। बाकी कीर्तन, भागवत कीर्तन हमारा इंटरेस्ट है। एजुकेशन आपकी कहाँ तक हुई है? नो स्कूल एजुकेशन। ओके, तब भी आप इतने प्रोफाउंड है, तब भी आप स्टिल यू आर वेरी नॉलेजेबल। नो स्कूल एजुकेशन। एक चीज़ मेरा बस सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तब के भारत में जो आज से कुछ 100 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ और जो अब का भारत है, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत थी और अभी के, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? आई एम लिविंग इन माय ओन वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग आउटसाइड द वर्ल्ड आई हैव नो इंटरेस्ट। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस की इन पंक्तियों का मतलब है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं, पर हम अपने जीवन को स्वस्थ और सार्थक रखने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड फॉर मोर सच awesome content subscribe to the High Street Explorer, and I'll see you in the next one. Bye.